आज मैं आपको कूलर की बंद पड़ी मोटर को घर बैठे फ्री में कैसे सही कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो मोटर है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चालू किया तो यहाँ पे चालू नहीं हो रही क्योंकि इसकी जो मेन लाइन है उसके अंदर करंट ही नहीं जा रहा है क्योंकि ये मोटर ख़राब हो चुकी है। तब इसको सही करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पीछे ये जो बोल्ट दिए हुए हैं यहाँ पे जो स्टेट दिए हुए हैं इसको हमें खोलना है। यदि नहीं खुले तो आप इसको काट सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे इस प्रकार से किसी भी पकड़ की चाहता से धक्का देकर इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है वो जली नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि एल्यूमिनियम की जो मोटर होती है वो यहाँ पे जलती नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कोई ना कोई वायर टूट जाते। तो यहाँ पे मैंने खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो वायर है इसके जो कनेक्शन वायर है वो टूट चुके हैं, साथ में कुछ और वायर को भी नुकसान हुआ है। तब यहाँ पे इसको सही करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसको हमें सही से खोलना है और खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे वायर टूट चुके। तो अब इसको मैं सही करने वाला हूँ। सही करने के लिए हमारे पास एक सीरीज होनी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे वायर को चेक करके हमें यहाँ पे मिलाना होता है। तो मिलाने के लिए मेरे पास यहाँ पे सीरीज है। सीरीज से यहाँ पे मैंने चेक किया कि जो भी वायर सामने वाला वायर है जो कि टूटे हुए हैं तो यहाँ पे जोड़ने के लिए जिस पर बल्ब जल रहा है उसको मैंने यहाँ पे नहीं जोड़ा है और जहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है उससे जोड़ा है ताकि इसकी जो वायरिंग है उसके अंदर जो वायर वो सही से चल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जॉइंट भी लगा लिए और यहाँ पे टुकड़े टुकड़े लेके मैंने यहाँ पे जॉइंट भी लगा लिए है। अब यहाँ पे हमारा जो ऊपर वायर है यहाँ पे वो हमें मेन वायर लगाने हैं तो मेन वायर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरे थे उस पर यहाँ पे स्लिप पहना के और जो दूसरे जो मेन वायर थे उस पर यहाँ पे मैंने वायर लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपनी जो कोई भी टेप लेके यहाँ पे मार लेनी ताकि वायर निकले नहीं और उसके बाद फिर आप सीरीज से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो कैपेसिटर का वायर है वो बता रहा है या नहीं और यहाँ पे जो मेन वायर है वो बता रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे जो दोनों वायर है वो सही हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर वार्निश मिला देता हूँ ताकि ये सही से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास वार्निश है जो कि मैंने यहाँ पे पिला दिया है और इसके बाद यहाँ पे हमें इसको इकट्ठा करना होता है। तो इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर ऑयल ले लेता हूँ। यदि आपको लगता है कि इसके जो बूस और शाफ्ट ख़राब है तो आप इसके बूस और शाफ्ट भी बदल सकते हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। परंतु मेरे जो बूस और शाफ्ट है वो सही है। तो यहाँ पर मैं अब इस मोटर को फिट कर लेता हूँ और फिट करने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे लगा के चेक कर लेता हूँ कि मोटर कैसे चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर सही चल रही है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।